सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं बागेश्वर महिपाल और इस वक्त फिर जो हूँ मैं सरयू नदी तट में हूँ। ये सरयू नदी का संगम है जहाँ पर सरयू गोमती तथा अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है और इसीलिए इस क्षेत्र को त्रिवेणी कहा जाता है। तो बागेश्वर के सरयू नदी तट में हूँ और यहाँ जो है NCC के छात्र जो सरयू नदी की सफाई के लिए अभी आए हुए हैं और ये छात्र लोगों को जागरूकता के साथ ये बता रहे हैं कि कल जो है भव्य रूप से पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। और पर्यावरण दिवस जब मनाया जाता है तो सभी जो है वृक्ष या मतलब पर्यावरण के संबंध में हर चीज़ें की बहुत खुल के बातें होती है, लोग जिक्र करते हैं। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ मतलब मैं जहाँ ठड़ रही यार इतनी जो भगवान शिवा की सुंदर प्रतिमा हमारे नगर पालिका अध्यक्ष महोदय ने जो बना रखा है, यह का तली जो यहाँ माछ में फूट के कटकटान लग रहा है इन्होंने। ये देखो यार ये यो मतलब कुतकुताई लगो नहीं तल बेटी मैं ये रोड ले उन्होंने और रोड जो है जेब में जो ये देखो दे यार और ये करके इन्होंने यो तो यूनूल मतलब कुटन में कर रहा ना गजबज गजबज गजबज। और इतनी जब मैं आ रही तो मेरी कोशिश चाहिए यार तुमके यहाँ बागेश्वर में क्या रहो ये नानतीन जो छ यो बतूनी कि कशिक जो छू हम अब नगर गए स्वच्छ करनो और पर्यावरण में जो प्लास्टिक और ये बहुत सारी यह चीज़ होनी जेल जो छो पर्यावरण दूषित हूँ तो वो चीज़ को दूर करना कोशिश करनी है। और मैं कोशिश की कि तुमको यह देखूँगा तुम ये पूछ रही थी यहाँ और इतनी सर यू जल लेना लीजिए आ रही थी कुछ पाठ करनी तो जब इतनी आ रही थी तो मैं इनका एक लाइव तो बनो और मैं हर बार कहूँ कि इतनी जो छो जो बहुत मतलब बढ़िया लागू यार इतनी एक रमणीय स्थल जो सरयू नदी तट और मार्कंडेय ऋषि ने जो तपस्या करी तो यार मतलब सामान्य जागतों को ऋषि मुनि तपस्या न करें ना जाग मतलब चभेरे करने भाई तो मैं अब क्यों हूँ यार मैं जो रंगत उन्हें इतनी और जब मैं इतनी ऊनू तो यार भगवान शिवा जरूर तुमके दर्शन करूँ ये बाबा बागनाथ जी दर्शन सामड़ी थी और इतनी जो भगवान शिव विशाल मूर्ति हमारे स्वर्गीय चंद्र रामदास जी ने जो बनाए तो यह जो छो हमेशा याद रहो और यह जो छो हमको ऐसा हमको याद दिलाल कि हम जो जो शिव भूमि में जा और इतनी जो 10 नाम जूना अखाड़ा जो आरती करनी तो उन्हें एक चित्र या फिर नगर पालिका द्वारा बनेगा और यह जो छत जाए देखन जाना सब शिव में बैठी ये हमारे पालिका अध्यक्ष सुय खेतवाल जी ने अब कार्यकाल में बन रखाया और अंतिम वर्ष छो उन्हें यह साल और मेरे बीच में बात लग है मैंने कहा यार अध्यक्ष जी 5 साल कैसी कट गई पत्ते न लाग उन्होंने कहा यार महिपाल भाई हमने पूरी कोशिश करी कि अपने नगर को स्वच्छ से स्वच्छ अच्छा बनाने की और बहुत सारे प्लान थे लेकिन समय कम हो गया लेकिन क्या कहें 2 साल कोविड में ख़त्म हो रहा है 2 साल नतरी बहुत कुछ ऊँचे और ये देखो तो मतलब ना एक युवा सोच जो हूँ ना वो युवा चीज़ धनी और हमेशा जिक्र हूँ बल्कि आज मैं बात आ रही थी यो नदी यो मतलब नदी बारे में बात आ रही थी उन्होंने कहा पूरा सहयोग करन जसला हमारे हाथ में हो और हम जिले कोशिश करनो उमा मैसन के सज हो यश कोशिश करनो और इतनी जो छू यार माशनल तो और ही करेगी यार भी माशनल लीजिए एक जेमर रोड ले लें पहली बार आपको खाना लीजिए जेमर रोड दर्जा आप ये माशनल लीजिए यार ये देखिए हाँ ये देखो धुनमन 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 अरे तो मैं वो कौन जाने ए टाइम में हम आपको खाना लीजिए ये मत हट जा आज हम माचना लीजिए धनिया है मैं तो फुट घेरे यार दांत है यार इना दांत जाना ना 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 दान ना जाना यार प्रशासन ला जल प्रशासन ला हम छा यार मतलब हम मतलब जो सब ने सहयोग लूँ देखो एक मैच यकला के ना कर सकें जस सबसे ठूल बात पुलिस जो ना पुलिस कदू होनी 100 200 300 लेकिन जब तक पब्लिक सपोर्ट ने रून तब तक वो मैच के ना कर सकें प्रशासन हर जगह थोड़ी पूछ सकूँ लेकिन कुछ नैतिक जिम्मेदारी हमारे होनी कि हम जो चिन्ह मतलब यह कोशिश कर सकते हैं कि यार ये चीज़ें इस्तेमाल ना देखो एक तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो स्वच्छता वाली बात कहे ना आज हर मैच कूड़ा खेड़ों में अब वो वल्पल जहाँ वो यार कहीं डस्टबिन तो नहीं मतलब कूड़ा मतलब ये जो
हालांकि मी यह ना कुनी कि प्रधानमंत्री जी कर रहा, लेकिन एक फुल जाग बटी अगर की चीज़ शुरुआत करते हैं, चाहे भ्रष्टाचार चाहे अतिक्रमण, अगर जब फुल चीज बटी हूँ ना तो फिर नन मैच तो स्वतः ही वो करूँ, क्योंकि हम वहाँ एक रीत चुन है, हम जो जो फॉलो करना मतलब के चीज़ का हम फॉलो करना, जस्ट के लिए घटना है ना हम वो कॉपी कर लूँ, जैसे फैशन लाल विदेशी कॉपी करें विदेशी मैच लो तो यह लीजिए जब केला शुरुआत हूँ तो फुलबा अगर हूँ तो ना ना हटिए वो कर लेनी है, तो बिल्कुल सही बात, प्रशासन फुल जिम्मेदारी लेने चाहें, उन्हें कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ न हो। और जब यहाँ आ रही तो यार थोड़ा सा सुंदर दृश्य देखा दो, 1913 ब्रिटिश कालीन पुल जो मतलब यह होने पर ना समय कहकर हूँ तो अंग्रेज नौकरा नहीं रहा यार, जो हमको गाइड होती थी अंग्रेज हमको गाइड होने पाए, ब्लैक इंडियन इतने आग होने पाए ना पुल में, आज वो अंग्रेज नहीं थे नहीं यह 1913 पुल छू, मतलब समझ सकते हैं कि 1913 में हमारे जब बुजुर्ग लोग इतने पर जाने ना तो जब अंग्रेज लोग उन्हें नाल तो वो पैदल ठाड़ा दूर किनारे ठाड़ा जाने ना, तो मतलब कस बितने नीलियार हुआ नया पहली अंग्रेज साहब जल फिर हम जो और जस